नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों आज जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये गाड़ी है ओडी Q3, जिसकी स्टेयरिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि स्टेयरिंग जो है उसको चेंज किया गया है। तो जैसे हम अगर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेयरिंग की लाइट मीटर पर शो करेगा ही करेगा। तो वहीं आज ओडी Q3 में स्टेयरिंग जब हम चेंज किए हैं तो स्टेयरिंग की लाइट आया और उसकी फॉल्ट कोड भी बन गया। तो आज हम इस वीडियो में वही दिखाना चाह रहे हैं कि X-Tool से, यानी कि जो ये वीडियो बनाया गया है वो N6 Elite है, जो डिवाइस के नाम है N6 Elite। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या X-Tool N6 Elite के मदद से ओडी Q3 का स्टेयरिंग कैलिब्रेशन होता है कि नहीं होता, और किस तरह होगा वो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जब देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि हम स्टेयरिंग कैलिब्रेशन, यानी कि ओडी Q3 को हम स्टेयरिंग कैलिब्रेशन कैसे करें। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है वो है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, वहीं आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा। गाड़ी हमारे पास नहीं, हमारे किसी भाई के पास था, तो ये काम हम भाई से काम करवाएं स्टेप बाय स्टेप, जो कि काम ये सक्सेस हुआ, जो कि आपको वीडियो भी देखने का मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पार्ट चेंज हुआ और फॉल्ट कोड क्या है। एक बार लाओ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि पहले लाइट दिखाते हैं मीटर पर। तो हम वीडियो को ऑन करते हैं। ये हमारे पास जो भाई भेजे थे, ये लाइट आ रहा है सर, ये जो लाइट आ रहा है ये यहाँ पर, ये लाइट देखते हैं। तो ये मेरे पास मीटर का वीडियो आया था और आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें अब चेंज किया हुआ है, तो वो दिखाता हूँ आपको। फॉल्ट कोड भी आपको दिखा देते, ये फॉल्ट कोड रहा, ठीक है, यहाँ पर देखो ओडी। तो ये फॉल्ट कोड रहा स्टेयरिंग एंगल सेंसर का, यहाँ पर लिखा भी है स्टेयरिंग नो इनकरेक्ट बेसिक सेटिंग अडॉप्शन, और दूसरा भी जो कोड आ रहा वो स्टेयरिंग का ही आ रहा। अब जो चेंज हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चेंज हुआ स्टेयरिंग, ये चेंज हुआ है। इस जैसे ये चेंज हुआ, ये इसके बाद वो प्रॉब्लम आया, ठीक है। अब दोस्तों मेन जो इस वीडियो में मेन जो टॉपिक है यही है, और आपको यही इसी चीज़ से समझना है कि काम कैसे होगा। फिर भाई को मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लिख के मैंने भेजा कि काम कैसे करना है, तो भाई ने इस प्रोसेस को फॉलो की, यानी कि पहले आपको डायग्नोस्टिक करना है। पहला स्टेप में आपको स्कैनिंग करना है, जैसे हम नॉर्मल स्कैनिंग करते हैं, यानी कि ऑटो स्कैन करेंगे उठा लेगा। इसके बाद आपको फुल सिस्टम डायग्नोस को क्लिक करना है। इसके बाद आपको 44 नंबर आएगा पावर स्टेयरिंग का, जैसे कि आप डिवाइस से करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने का भी मिलेगा। इसके बाद स्टेप वन में आपको इसको क्लिक करना है, सिक्योरिटी एसएस लॉग इन एंटर, आपको ये होगा, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप काम करोगे तो सामने लिख के आ जाएगा। स्टेप टू में आपको लाइव डाटा में आपको 5 नंबर उसमें आपको इंटर करना है, ठीक है। ये 5 नंबर है, वो नंबर लिख के आ जाएगा स्कैनर में जब आप काम करोगे, तो इसमें आपको 5 नंबर को इंटर करना है। इसके बाद जो स्टेयरिंग है आपको वो 0 डिग्री पर सेट करना है, ठीक है। और स्टेप थ्री में बेसिक सेटिंग को क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद उसमें 60 यानी कि 60 यानी कि 60 आपको उसमें इंटर करना पड़ेगा, उसमें बॉक्स बन के आ जाएगा कि आपको इसमें इंटर करना है। और इसके बाद स्टेप फोर में बता रहा है कि इंजन को आपको ऑफ करना है एक बार, इसके बाद इंजन को ऑन करना है। ये करने के बाद इसके बाद जो आपको ये लिख के बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेयरिंग है आपका इंजन ऑफ और ऑन के बाद ये आपको फॉलो करना है। जैसे कि स्टेयरिंग को हम एक बार लेफ्ट ले गए पूरा, एक बार राइट ले गए, तो लेफ्ट और राइट यानी कि पूरा का पूरा आपको घुमाना है। इसके बाद सीधा करना है, इसके बाद आपको क्लियर DTC करना है, और फिर आपको स्टेप फाइव में आपको सिक्योरिटी SS लॉगिन आपको इंटर करना है, ये 89753 आपको ये आएगा, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको
स्टेप सिक्स में आपको अडॉप्शन इंटर फोर आपको इंटर करना है, इसके बाद ओके करोगे, काम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि जब भी अगर किसी भी भाई के पास ओडी Q3 आता है, अगर उसके पास उस गाड़ी में अगर स्टेयरिंग से प्रॉब्लम कोई रिलेटिव दिक्कत आती है, यानी कि स्टेयरिंग लाइट आता है, चाहे ये फॉल्ट कोड आता है, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करना, 110% आपका ये काम होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो देखे कि मैं किस तरह इस वीडियो में फॉलो करने के लिए बताया कि आप प्रोसेस को फॉलो करना, जब भी ये प्रॉब्लम आएगा आपकी गाड़ी 110% ये काम होगा। और जिस टूल से मैंने किया हूँ वो भी मैं बताया कि एक्सटूल N6 एलाइट से हुआ ये काम, जो कि आपको वीडियो में देखने का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बट वीडियो शुरू से अंत तक आप देखना, फिर आपको समझ और ज़्यादा आएगा। नमस्कार सभी एक्चुअल यूजर भाइयों को, अपने पास ऑडी Q3 आई है, उसका स्टीयरिंग चेंज किया हुआ था, उसकी वजह से स्टीयरिंग की लाइट आ गई थी। वो तो ये पहले गाड़ी दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी है ऑडी Q3, देख लो पहले, ये गाड़ी ऑडी Q3 है और इसमें स्टीयरिंग की लाइट आ रही थी, स्टीयरिंग चेंज किया था तो उसकी वजह से ये मीटर में जैसे ऑन किया जैसे ये लाइट है और ये स्टीयरिंग की लाइट है, दोनों लाइटें आ रही थी, तो हमने उसके X6 Elite से हमने ये उसको प्रोग्रामिंग कर दिया है। अभी पहले हम कैसे किया है वो आपको दिखाएंगे, पहले डायग्नोसिस में जाने का है। डायग्नोसिस में जाने के बाद ऑटो स्कैन करेंगे ना, तो ये गाड़ी उठा लेंगे, गाड़ी VIN नंबर उठा लेगा, सब उठा लेगा, हो जाएगा। ओके करूँगा, यहाँ ओके करना पड़ेगा और ये फुल सिस्टम डायग्नोसिस में जाना पड़ेगा, उसमें ये 44 नंबर पावर स्टीयरिंग आएगा, पावर स्टीयरिंग में जाना पड़ेगा। और इसमें P3803 कोड आ रहा था तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो पहले स्टेप में हमको गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी स्टार्ट में काम होगा, ये गाड़ी स्टार्ट कर देनी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पहले हमको 0 डिग्री पे स्टीयरिंग ला देना है और पहले स्टेप में सिक्योरिटी लॉगिन में जाना है, इसमें जाना, पहले इसमें जाने के बाद उसको ओके देना है उसमें, और ये 40 पहला ऑप्शन है 40161 पे ओके दोगे ना तो ये लॉगिन सक्सेसफुल लोकीय आएगा, उस पर ओके दे देने का है। उसके बाद स्टेप टू में लाइव डेटा करना है, लाइव डेटा करने के बाद रीड डेटा बाय करना है, रीड डेटा करने के बाद ये इसमें चैनल निकालनी है, इसमें 5 लिखना है, 5 जैसे लिखोगे उसमें ओके आपको करना है, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाने के बाद आपको स्टेप 3 में बेसिक सेटिंग में जाना है, बेसिक सेटिंग में जाने के बाद आपको एंटर ये सिलेक्ट चैनल करना है, उसमें साइन डालना है, साइन डालोगे तो उसके बाद इसमें साइन डालना है, साइन डालोगे ओके हो जाएगा इसमें, और इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बैक चले जाना है, साइन डाल के बैक चले जाने के बाद स्टेप फोर में इंजन ऑफ करना पड़ेगा, इंजन ऑफ किया उसके बाद इंजन वापस ऑन करना पड़ेगा तुरंत ही, इंजन ऑफ करके 0 डिग्री पे है तो स्टेप फोर में स्टीयरिंग घुमा देना है ऐसी तरह से पूरा लॉन्ग जंप, और उसके बाद राइट करना, पहले लेफ्ट में घुमाना है उसके बाद राइट में, और फिर 0 पोजीशन में ला देना है, 0 पोजीशन में ला देने के बाद करना है स्टेप फाइव में सिक्योरिटी एसेस लॉगिन में जाना है,
उसमें 89753, ये 89753 पे उसे देना है और उसमें लॉगिन हो जाए, सक्सेसफुल हो जाएगा और ये आपका काम उसी तरह से हो जाएगा। थैंक यू एक्सटूल सभी यूजर भाइयों को।